कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से लगाई गई यूजर टैक्स का विरोध उल्लासनगर शहर भर में हो रहा है। शहर भर के लोग इस यूजर टैक्स का विरोध कर रहे हैं। कई व्यापारी संगठन, कई सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। उल्लासनगर 4 के गांधी रोड परिसर में वहां के सामाजिक संस्थाओं ने, विशेषकर वहां की व्यापारिक संगठनों भी इस यूजर टैक्स का विरोध किया। इकट्ठे होकर एक ही सुर में किस तरह से वो विरोध जता रहे हैं, देखते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा बिना किसी सुविधाओं और बिना किसी सर्विस के जो ये तानाशाही यूजर टैक्स लगाया गया है, आज उसके विरोध में हमारे बड़े भाई दर्शन सिंह खेमानी, टुल्लू सिंह खेमानी और उनकी पूरी टीम गांधी रोड शॉपकीपर एसोसिएशन और अन्य एनजीओ के साथ में मिलकर एक विरोध आभास में हस्ताक्षर अभियान किया गया है। यूजर टैक्स हर दुकानदारों के ऊपर 1125, हर फ्लैट घर और झोपड़पट्टी के ऊपर 750, हर हाथ गाड़ियों के ऊपर 500 और हर होटल के ऊपर 1500। ये कचरे के नाम पर जो अलग टैक्स लगाई गई है तो इससे पूरा शहर नाराज है, पूरे शहर में असंतोष का माहौल है और जब तक ये यूजर टैक्स वापस नहीं ली जाती तो हमारा आंदोलन और भी तीव्र होगा। पूज गांधी रोड शॉपकीपर एसोसिएशन गांधी रोड, ग्रेजुएट्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और संत बाबा चंदा सिंह सेवा केंद्र द्वारा एक आयोजन किया गया है हस्ताक्षर अभियान का। इस हस्ताक्षर अभियान में यूज़र फी नामक टैक्स जो कॉरपोरेशन नगरवासियों पर लगाने जा रही है उसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। इस विषय में हमारी इन तीनों ही संस्थाओं के पदाधिकारियों ने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि हम सभी शहरवासी इस यूज़र फी टैक्स का बहुत विरोध करते हैं और अगर ये रद्द नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन किया जाएगा। हमने ऐसा देखा है कि आदरणीय आमदार ज्योति जी कालानी, पूर्व महापौर मीना एलानी जी, बालाजी किनीकर आमदार साहब, हमारी पंचम कालानी जी महापौर, टीम ओमी कालानी, यूटीए, सभी तो इस टैक्स का विरोध कर रहे हैं। शिवसेना विरोध कर रही है, भाजपा विरोध कर रही है, फिर ये टैक्स लग कैसे रहा है, ये बड़े ही सोचने की बात है। उल्लासनगर के दशहरा मैदान परिसर में भी कई सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से लगाए जा रहे यूजर टैक्स का विरोध किया। वह एक सिग्नेचर अभियान के तहत उल्लासनगर के कई शहरवासियों ने हस्ताक्षर किए और विरोध जताया। ये जो उल्लासनगर महानगर पालिका ने अन्याय की, जुल्म की, सभी शहरवासियों के ऊपर टैक्स लगाया है, घर के ऊपर 750 रुपया और दुकानदार के ऊपर 1125 रुपया, हम महानगर पालिका से पूछना चाहते हैं कि दुकानदार जो हैं वो कौन सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो क्या करेंगे, दुकानदार से आपको कहाँ से कहाँ आपको गीला कचरा करना है, कहाँ सूखा कचरा करना है। अभी सामने चप्पल की दुकान है, चप्पल की दुकान से कहाँ गीला कचरा निकलेगा, कपड़े की दुकान से कहाँ गीला कचरा निकलेगा, सामने वाइंडिंग वाले वहाँ से कहाँ आपका गीला कचरा निकलेगा जो उनसे भी आप 1125 रुपया महीने का टैक्स ले रहे हो। ये टोटली सिस्टम जो है पूरा करप्टेड हो चुका है, करप्शन का ही बोलबाला है उल्लासनगर महानगर पालिका में। ये बहुत ही गलत है, अन्याय है, शांत पब्लिक को जानबूझकर उकसाया जा रहा है। इसके पीछे हम लोग तीव्र आंदोलन कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेनिंग हमारी तरफ से चालू है और आगे भी जारी रहेगी। जब तक यह टैक्स हटाया नहीं जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।